बेल का फल की महत्वता मुझे श्रवण करना है, तो कहा यह फल कोई साधारण नहीं होगा जगत जन। वैशाख महीने में जो एक फल भी समर्पित कर रहा है, हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल से हजारों गुना उसको फल प्राप्त हो रहा है, पुण्य प्राप्त। और सुनो, हे जगत जननी जगदम्बा, हे पार्वती, जब शिव और शक्ति देवी और शंकर भगवान शिव और जगदम्बा का या आधिकाधिक 33 कोटि देवताओं का जहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहां होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये बीला जो फल है इसकी आहुतियां प्रदान करी जाए। और साहुति को भी आप समझ लीजिएगा महाराज, एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि, ये दो तिथियां ऐसी हैं। मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख 4 लाख 3 लाख 10 लाख 8 लाख 2 लाख 50 हजार 25 हजार 20 हजार 40 हजार, और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप माँ जगत जननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, हे जगत जननी हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार, उसका आनंद सुख देने वाला है जगदम्बा। माँ पार्वती शिव जी के साथ में आनंद में विराजमान। और एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, प्रयास करिएगा जीवन में 2 रोटी कम खा लो पर किसी से कर्जा मत लो, मत। क्यों ले? गुरुजी बैंक का बहुत कर्जा है, हमने काय को लिया लोन, अब गुरुजी मकान तो बनाना था तो लेना तो था, फिर मकान का लोन तो था ही सरी, साथ में 4-व्हीलर गाड़ी और उठा ली, गुरुजी कर्जा बहुत है, हमने कहा अब काय का हो गया, 4-व्हीलर ले ली है उसका भी लोन है, फिर गुरुजी कर्जा बहुत है, अब काय में हो गया है, गुरुजी वो फैक्ट्री डाली थी जीनिंग थोड़ा सा तेल की और इसका कर्जा हो गया, तो वो भी लोन। क्या करा, मकान पर लोन लिया, प्लाट पर लिया तो मकान बनाया, मकान पे लिया तो फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री पे लिया तो गाड़ी आ गई, सब कर्जे में लदा लो। क्यों ले? और हो गया उसके बाद में चिंता नहीं करना, हो गया ना ठीक है। जयपुर के अग्रवाल जी, उनकी आप बीती यहीं पर माइक पे सुनवाएंगे हम, वो कहते हैं गुरुजी पूर्ण तरह से बर्बाद हो गया लॉकडाउन में, 1 रुपया नहीं बचा, और जा रहे थे सुसाइड करने, कहीं मोबाइल पर किसी मित्र ने कथा सुना दी और बस रुक गए कि अब नहीं मरना, महाराज कह दिया है कि भटको गए, अब नहीं मरना, और कथा भी वही मिली भटकने वाली, मर तो जाओगे बेटा, गति बिगड़ जाएगा, मरना सरल है बहुत, पर तरना भी तो देखो
है? ट्रेन के लोकल डब्बे में चढ़ जाओ, जगह है नहीं, हमारे को तो सब मिली नहीं, हमने तो फर्स्ट एसी का टिकट कराया उसमें भी नहीं मिली, सेकंड एसी का वो भी नहीं मिली, थर्ड एसी का कराया वो भी नहीं मिली, फिर रिजर्वेशन कराया स्लीपर का वो भी नहीं मिला, तो जाना तो था, चढ़ गए लोकल में और दादा बाथरूम में लटके, और आखिरी में मंजिल तक भी नहीं पहुंचे कि मैं तो अगला स्टेशन पर उतर जाऊं, मेरे काका से नहीं बने दादा, लटका लटका मारा तो पांव हट गया और अगला स्टेशन पर उतरी। तो ऐसा काम काय को करो, जब ऊपर बेकुंठ तो नरक के सारी सीटें फुल, तो तुम्हें तो लोकल में लटकना ही पड़ेगा, फिर ऊपर तुम्हें कहाँ रिजर्वेशन मिल रही है कि तुम्हें बेकुंठ ले जाएं कि नरक ले जाएं, लटके रहो अब नीचे ही लटको, कौन ले जाए। तो कहा गुरु जी बड़े तकलीफ में आ गए और ऐसा हो गया और करोड़ों रुपए का कर्जा हो राम, अब क्या। तो हमने कहा बताओ इतना कर्जा होने के बाद तुम्हें यहाँ काय को आ गए ऋषि, और तो कि बस तुमने टीवी में देखा था कि लटक जाओगे इसलिए हम यहीं लटके आ तो गए, यही आपस में मिले हो। हमने कहा तुम बाहर बैठो, जयपुर से आयो गुरु जी भक्त। हमने कहा क्या विचार है, बस व्यापार अच्छा चल जाएगा नहीं तो सब बिकने की कतार है, कुछ बचा है एक आध चीज, बच्चा बच्चा तो क्या है, देखते हैं सब बंद पड़ी है कोई काम है कुछ है। फिर भी आशा लगा कर जाओ, बाबा पर विश्वास कर कर जाओ, बाबा दो एक महीने में दे दे तो शिव महापुराण जरूर कराओ। लॉकडाउन के टाइम पर आए बाबा से विनती कर कर निवेदन कर कर, कहीं बाबा ने सुन ली, कुबेर भंडारी है वो तो भले अभी नहीं बैठा पर जमीन तो उसी की है, उसी की प्रॉपर्टी पे तो अपन बैठे, सही है गलत है। अब किसी के प्लाट पे चले जाओ भले तुम उसके प्लाट पे वो गोबर का कंडा थाप दो, पर भले थाप दो पर प्रॉपर्टी तो दूसरे की है, भले तुम कंडा तुम्हारा पर प्रॉपर्टी दूसरी की है। आने वाला तो व्यक्ति कहेगा भाई हमारे प्लाट पे थापा है दो कंडा हमारा भी, प्रॉपर्टी तो उसी की। आप लोगों ने जो एक एक रुपया लगाया, जो भाव से समर्पित करा या यहाँ आकर बैठे, तो उसकी रज अपने शरीर पर तो लगी, तो वो खाली तो नहीं छोड़ेगा ये पक्का। जैसे पोटा गिरता है तो धूल लेके उठता, ऐसे ही गए और उसके बाद में उनकी जब सूचना आई गुरु जी तैयारी करो शिव महापुराण, बाबा कृपा कर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ आए हो तो बस पाओ, भोजन करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, यहाँ कोई पैसा दिला तो लगना नहीं तुम्हारे को, रुकने का ना खाए का ना खाए का, बस आनंद करो जाओ। फिर भगवत चित्त हो और भजन चरणारविंद का जो सुख है भगवान का, मेरे कुबेर भंडारी देने में कमी नहीं रखते, बाबा देने में कभी कमी नहीं रखेगा। तो पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं तू सुख का आनंद है, क्यों मान लो कर्जा हो भी गया तो निवेदन इस व्यासपीठ से, कोई गलत काम नहीं करना अपन को, हो गया ना कर्जा हो जाएगा, मनुष्य का शरीर है मानव की देह है, और भगवान ने अगर अच्छे दिन दिखाए थे तो बुरे आ गए और बुरे भी आए हैं तो फिर अच्छे आएंगे, विश्वास पूरा रखना। बस विश्वास में इस विष को, विश्वास शब्द में से विष को बाहर निकाल दो तो केवल रह गया आस, क्या रह गई आस, विष को हटाओ आस पकड़ के रखे रहो तो विश्वास अगर प्रबल है तो मेरा शिव देगा जरूर, ये पक्का है, और इतना देगा इतना देगा, जैसे ये कौशल परिवार कथा करा रहा है, जिंदल परिवार ने कथा कराई, लॉकडाउन से लगातार ऑनलाइन कथा निरंतर चल रही है, और बाबा इनको जैसा दिया मेरा विश्वनाथ आपको भी देगा, और आप भी कहेंगे कि ये कथा हम भी करा, ये बाबा देने वाला, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं देगा। और आपसे निवेदन है हम नीचे उतरे उसके बाद हमसे पूछो भी मत कि महाराज हम कोई तकलीफ काय को पूछते हो, हमारे भाई कोई आता है क्या कि हम कोई बाबा जोगी जाने कुछ कुछ नहीं, बस ये पुराण भली और विश्वनाथ भला, सबसे बड़ा डॉक्टर वही है महाराज, उसके सिवाय कोई नहीं दुनिया में, जो कोई नहीं। बेल का फल कि महत्वता मुझे श्रवण करना है तो कहा यह फल कोई साधारण नहीं होगा जगत जन। बैसाख महीने में जो एक फल भी समर्पित कर रहा है, हजारों अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य फल से हजारों गुना उसको फल प्राप्त हो रहा है, पुण्य प्राप्त। और सुनो हे जगत जननी जगदम्बा, हे पार्वती, जब शिव और शक्ति
देवी और शंकर भगवान शिव और जगदम्बा का या आधिकाधिक 33 कोटि देवताओं का जहाँ पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहाँ होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये बीला जो फल है इसकी आहुतियाँ प्रदान करी जाए। और साहुति को भी आप समझ लीजिएगा महाराज, एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि ये दो तिथियां ऐसी हैं। मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख 4 लाख 3 लाख 10 लाख 8 लाख 2 लाख 50 हजार 25 हजार 20 हजार 40 हजार, और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया हम तो परेशान हो गए, और हार गए नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप माँ जगज्जननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार, उसका आनंद सुख देने वाला है जगदम्बा। माँ पार्वती शिव जी के साथ में आनंद में विराजमान। और एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, प्रयास करिएगा जीवन में 2 रोटी कम खा लो पर किसी से कर्जा मत लो, मत। क्यों ले? गुरुजी बैंक का बहुत कर्जा है, हमने काय को लिया लोन, अब गुरुजी मकान तो बनाना था तो लेना तो था, फिर मकान का लोन तो था ही सरी, साथ में 4-व्हीलर गाड़ी और उठा ली, गुरुजी कर्जा बहुत है, हमने कहा अब काय का हो गया, 4-व्हीलर ले ली है उसका भी लोन है, फिर गुरुजी कर्जा बहुत है, अब काय में हो गया है, गुरुजी वो फैक्ट्री डाली थी जीनी थोड़ा सा तेल की और इसका कर्जा हो गया, तो वो का वो भी लोन, क्या करा, मकान पर लोन लिया, प्लाट पर लिया तो मकान बनाया, मकान पे लिया तो फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री पे लिया तो गाड़ी आ गई, सब कर्जे में लदा लो, क्यों ले? और हो गया उसके बाद में चिंता नहीं करना, हो गया ना ठीक है। जयपुर के अग्रवाल जी, उनकी आप बीती यहीं पर माइक पे सुनवाएंगे हम, वो कहते हैं गुरुजी पूर्ण तरह से बर्बाद हो गया लॉकडाउन में, 1 रुपया नहीं बचा, और जा रहे थे सुसाइड करने, कहीं मोबाइल पर किसी मित्र ने कथा सुना दी और बस रुक गए कि अब नहीं मरना, महाराज कह दिया है कि भटको गए अब नहीं मरना, और कथा भी वही मिली भटकने वाली, मर तो जाओगे बेटा गति बिगड़ जाएगा, मरना सरल है बहुत पर तरना भी तो देखो है? ट्रेन के लोकल डब्बे में चढ़ जाओ, जगह है नहीं, हमारे को तो सब मिली नहीं, हमने तो फर्स्ट एसी का टिकट कराया उसमें भी नहीं मिली, सेकंड एसी का वो भी नहीं मिली, थर्ड एसी का कराया वो भी नहीं मिली, फिर रिजर्वेशन कराया स्लीपर का वो भी नहीं मिला, तो जाना तो था, चढ़ गए लोकल में और दादा बाथरूम में लटके, और आखिरी में
मंजिल तक भी नहीं पहुंचे कि मैं तो अगला स्टेशन पर उतर जाऊं, मेरे काका से नहीं बने दादा, लटका लटका मारा तो पाँव हाथ टूट गया और अगला स्टेशन पर उतरी। तो ऐसा काम काय को करो, जब ऊपर बेकुंठ और नरक के सारी सीटें फुल, तो तुम्हें तो लोकल में लटकना ही पड़ेगा। फिर ऊपर तुम्हें कहाँ रिजर्वेशन मिल रही है कि तुम्हें बेकुंठ ले जाएं कि नरक ले जाएं, लटके रहो। अब नीचे ही लटको, कौन ले जाए। तो कहा गुरु जी बड़े तकलीफ में आ गए और ऐसा हो गया और करोड़ों रुपए का कर्जा हो राम। अब क्या तुमने कहा, तुम बताओ इतना कर्जा होने के बाद तुम्हें यहाँ काय को आ गए ऋषि? और तो क्या, बस तुमने टीवी में देखा था कि लटक जाओगे इसलिए हम यही लटके आ तो गए। यही आपस में मिले हो, हमने कहा तुम बाहर बैठो, जयपुर से आयो। गुरु जी बहुत, हमने कहा क्या विचार है? बस व्यापार अच्छा चल जाएगा, नहीं तो सब बिकने की कतार है। कुछ बचा है एक आध चीज? बच्चा बच्चा तो क्या है, देखते हैं, सब बंद पड़ी है, कोई काम है कुछ नहीं। फिर भी आशा लगा कर जाओ, बाबा पर विश्वास कर कर जाओ, बाबा दो एक महीने में दे दे तो शिव महापुराण जरूर कराओ। लॉकडाउन के टाइम पर आए बाबा से विनती कर कर, निवेदन कर कर, कहीं बाबा ने सुन ली, कुबेर भंडारी है वो तो भले अभी नहीं बैठा पर जमीन तो उसी की है, उसी की प्रॉपर्टी पे तो अपन बैठे, सही है गलत है? अब किसी के प्लाट पे चले जाओ, भले तुम उसके प्लाट पे वो गोबर का कंडा थाप दो, पर भले थाप दो पर प्रॉपर्टी तो दूसरे की है, भले तुम कंडा तुम्हारा पर प्रॉपर्टी दूसरी की है। आने वाला तो व्यक्ति कहेगा भाई हमारे प्लाट पे थापा है, दो कंडा हमारा भी, प्रॉपर्टी तो उसी की। आप लोगों ने जो एक एक रुपया लगाया, जो भाव से समर्पित करा या यहाँ आकर बैठे, तो उसकी रज अपने शरीर पर तो लगी, तो वो खाली तो नहीं छोड़ेगा, ये पक्का। जैसे पोटा गिरता है तो धूल लेके उठता, ऐसे ही गए और उसके बाद में इनकी जब सूचना आई, गुरु जी तैयारी करो शिव महापुराण, बाबा कृपा कर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ आए हो तो बस पाओ, भोजन करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, यहाँ कोई पैसा दिला तो लगना नहीं तुम्हारे को, रुकने का ना, काय का ना, काय का, बस आनंद करो जाओ। फिर भगवत चित्त हो और भजन चरणारविंद का जो सुख है भगवान का, मेरे कुबेर भंडारी देने में कमी नहीं रखते, बाबा देने में कभी कमी नहीं रखेगा। तो पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं तू सुख का आनंद है, क्यों? मान लो कर्जा हो भी गया तो निवेदन इस व्यासपीठ से, कोई गलत काम नहीं करना अपन को, हो गया ना कर्जा, हो जाएगा। मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, और भगवान ने अगर अच्छे दिन दिखाए थे तो बुरे आ गए, और बुरे भी आए हैं तो फिर अच्छे आएंगे, विश्वास पूरा रखना। बस विश्वास में इस विष को, विश्वास शब्द में से विष को बाहर निकाल दो तो केवल रह गया आस। क्या रह गई आस? विष को हटाओ, आस पकड़ के रखे रहो तो विश्वास अगर प्रबल है तो मेरा शिव देगा जरूर, ये पक्का है। और इतना देगा, इतना देगा, जैसे ये कौशल परिवार कथा करा रहा है, जिंदल परिवार ने कथा कराई, लॉकडाउन से लगातार ऑनलाइन कथा निरंतर चल रही है, और बाबा इनको जैसा दिया मेरा विश्वनाथ आपको भी देगा, और आप भी कहेंगे कि ये कथा हम भी करा, ये बाबा देने वाला, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं देगा। और आपसे निवेदन है, हम नीचे उतरे उसके बाद हमसे पूछो भी मत कि महाराज हम कोई तकलीफ, काय को पूछते हो, हमारे भाई कोई आता है क्या कि हम कोई बाबा जोगी जाने कुछ कुछ नहीं, बस ये पुराण भली और विश्वनाथ भला, सबसे बड़ा डॉक्टर वही है महाराज, उसके सिवाय कोई नहीं दुनिया में, जो कोई नहीं।